हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरोका के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेस्ट इंडीज को तीनों मैच में हरा दिया और सीरीज क्लीन स्वीप करके मैच भी जीत ली। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम की बात करें तो जहाँ पे बहुत अनएक्सपीरियंस थी, उनके पास कोई भी चांस नहीं था मैच जीतने का। अब बात करते हैं जो कि 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच में 3 मैच की T20 सीरीज। तो बात करते हैं सीरीज के फर्स्ट T20 मैच की जो कि खेला जाएगा 9 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट में। अब बात करते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेगा। वहीं अगर टेम्परेचर देखें तो जहां पे 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ह्यूमिडिटी 64% रहेगा। अब अगर बात करते हैं विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 58% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 42% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 153 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 138 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे दोनों के बीच में 19 मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 9 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं वेस्ट इंडीज 10 मैच जीत के आ रही है। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पहले टीम ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे T20 टीम के कैप्टन जहाँ पे मिचेल मार्श है। ओपनिंग में बात करते हो जहाँ पे मैथ्यू शॉर्ट है, जॉस इंग्लिश की जोड़ी हिट थी। बैटिंग में जहाँ पे टीम डेविड मैथ्यू वेड है, डेविड वार्नर स्टोनिस भी स्क्वाड में। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करते हो जहाँ पे नाथन एलियस, स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे एडन जंपा, सीन अवार्ड एंड जॉस एजल जो टीम को लीड करेंगे, जेसन बैंडोब जो टीम में कमबैक कर रहे हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पे जॉस इंग्लिश है, जॉस एजलवुड है, सीन अवार्ड है। वहीं अगर इनके प्लेइंग 11 की बात करें, जहां पे जॉस इंग्लिश, मैथ्यू शॉर्ट है, मैथ्यू वेड है, मिचेल मार्श है, टीम डेविड, जॉस हेजलवुड है, जेसन बैंड्रफ है, नाथन एलियस, सीन अवॉर्ड है, एडम जंपा, मार्कस स्टोनिस है। अब बात करते हैं दूसरी टीम वेस्ट इंडीज का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे T20 में टीम स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर आई है, बहुत से मेन प्लेयर इसमें ऐड हुए हैं, जहां पे टीम के कैप्टन रॉबिन पॉवेल है। बैटिंग में बात करते हो जहां पे ब्रैंडन किंग है, जॉनसन चार्ली, साई होप है, निकोलस पुरन जो कि टीम में ऐड हुए हैं, ऑलराउंडर जहां पे जेसन होल्डर है, एंड्रे रसेल भी स्क्वाड में ऐड हुए। अब देखना है कि प्लेइंग 11 में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो जहां पे अल्जारी जोसेफ जो टीम का एक्सपीरियंस बॉलर है, वहीं अकील होसन एंड रोमारियो शेफ जो टीम को विकेट दिला सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे गुदासिन मोटी है और रस्टन चेस है। अब बात कर देंगे कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे रोवन पॉवेल है, साई होप है, ब्रैंडन किंग है। अगर इनके वेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो जहां पे ब्रैंडन किंग है, रोवन पॉवेल है, काइल मायर्स, साई होप है, जॉनसन चार्ली, निकोलस पुरन है, जेसन होल्डर है, गुदासिन मोटी, रोमारियो शेफ फ्रेड है, ओथन थॉमस, अल्डारी जोफ है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, अब अगर पढ़ते हैं चलते हैं कंक्लूजन एंड प्रिडिक्शन की ओर। तो T20 में दोनों इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। अगर मैच के विनर की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में वेस्ट इंडीज होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज इसलिए विनर होगा क्योंकि अगर पिछले रिसेंटली बात करें जहां पे ODI मैच में वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हरा दिया गया, तो यहां पे वेस्ट इंडीज अपना फर्स्ट T20 मैच में बदला लेना चाहिए, यहां पे ऑस्ट्रेलिया को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।